अपर हिमाचल में सिड्डू और बबरू बहुत बनाए जाते हैं। जब कोई स्पेशल गेस्ट आता है ना तब उनके लिए बनाते हैं सर। ये भी सर ट्रेडिशनल स्टाइल रहता है। और ये सर हमारी फुल थाली है। ये सारा खाना पता है कब बनता है? जब कोई अतिथि आते हैं, गेस्ट आते हैं। आप हमारी वीडियो में वेजी बाजी में गेस्ट आए, हमें अच्छा लगा। हाय गाइस, तन्मय दिस साइड फ्रॉम वेजी बाजी। और आज हम लोग ढूंढ रहे हैं हिमाचली फूड, ऑथेंटिक हिमाचली फूड। आपने कमेंट्स में लिखना है हिमाचल ओपी, वीडियो को लाइक कर देना। हम लोग एक जगह पे आए हैं जिसका नाम है हिमाचली रसोई। मेरे को बताया है कि शिमला में अगर आप ऑथेंटिक हिमाचली खाना ढूंढ रहे हो, धाम, सिद्धू और बहुत सारी चीज़ें, तो आपको यहाँ मिलेगी। आ जाओ दिखाते हैं। वीरेंद्र जी क्या लगा रहे हैं अभी? ये अभी सर हम सिड्डू बना रहे हैं। सिड्डू बना रहे हैं। ये कौन सा, नमकीन बना रहे हो मीठा बना रहे हो? सर नमकीन भी बनेगा मीठा भी बनेगा। अच्छा, तो क्या सिड्डू अगर किसी ने कभी नहीं खाया हो तो क्या समझाओगे, कैसे क्या होता है? सर सिड्डू यहाँ का ट्रेडिशनल फूड होता है। अच्छा। ये स्पेशल बनाया जाता है जब कभी कोई अतिथि घर में आता है ना। हाँ, तो उनके लिए स्पेशल अतिथि के लिए बनाया जाता है। जी। अच्छा, स्पेशल बन रहा है। स्वागत, अतिथि का स्वागत है। आप स्वागत है आपका। वीरेंद्र जी बड़े प्यार से सिड्डू बना रहे हैं। ये नमकीन स्टफिंग है? टॉपिंग है, नमकीन की है। अच्छा, क्या क्या रहता है? खसखस बोलते हैं। अच्छा, पॉपी सीड्स होता है। तो इसमें जैसे कि धनिया है, हरा धनिया है, मिर्च है, मसाले जो होते हैं ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सारे डाले हुए। अच्छा, सिड्डू की टॉपिंग बोलते हैं इसको। तो नमकीन बनाते हैं। इसको बनने में कितना टाइम लगता है? इसको बनने में सर 20 से 25 मिनट लगते हैं। अच्छा, स्टीम और फ्रेश बनता है। तो ये मैदे से बना हुआ है, इसको फर्मेंट भी करके रखा हुआ है शायद? सर मैदा का नहीं, ये आटे का होता है, गेहूं का आटा होता है ना जो हमारे। अच्छा होता है। अच्छा, गेहूं का आटे का ये? हाँ जी सर। सफेद है काफी, अलग थोड़ा गेहूं है। ये कई प्रकार का होता है सर, ये इसको सुपर फाइन आटा बोलते हैं। अच्छा, तो ये अब हमने इसमें टॉपिंग डाल दी। ये काफी बड़ा बनेगा। हाँ जी, ये थोड़ा मोमो शेप का रहता है। हाँ, मोमो से किसी को मतलब नहीं पता रहता तो वैसे समझा सकते हो। जी सर। पर ये ट्रेडिशनल होता है? ट्रेडिशनल होता है सर, ये हेल्दी होता है बहुत। हेल्दी होता है। हाँ जी। तो इसको ना सर ज़्यादातर लोग जो है ना सर्दियों में खाते हैं। बॉडी को थोड़ा गर्म हो, बॉडी गर्म, जैसे कोई ठंड। पहाड़ी डिश है ना। हाँ जी सर। और अब हम सर ये मीठे की टॉपिंग बनाते हैं। ठीक है, इसमें भी खसखस रहेगा? इसमें सर ड्राई फ्रूट है, खसखस है, गुड़ है, ये। अच्छा। थोड़ा इसको रोस्ट किया गया है। अच्छा, वैसे लोग ज्यादा क्या पसंद करते हैं, मीठा खाना पसंद करते हैं या नमकीन? लोग तो ज्यादा जो 60% है ना नमकीन को पसंद करते हैं। नमकीन पसंद करते हैं। हाँ। अच्छा, और मीठे को 50% लोग को पसंद करते हैं। ये तो 110 हो गया। मतलब कहने का मतलब है नमकीन लोग ज्यादा पसंद करते हैं। समझ गया आपकी बात। बाकी इसमें सर घी और चटनी के साथ सर, तो घी और चटनी ऊपर डाल के थोड़ा अलग ही सर। इसमें ना थोड़ा सा घी लगाना पड़ता है ताकि नीचे नहीं चिपके, हम स्टीमर में डाल देते हैं इसको। अब ये रेस्टोरेंट्स का खाना, मैगी, ये सब तो आपको दिखाते रहते हैं। हिमाचल में आए हैं तो ऑथेंटिक ये हिमाचली फूड दिखाने का एक अलग ही मजा है। छोड़ देंगे, 25 मिनट छोड़ देंगे धीमी आंच पे। ये धाम मतलब थाली होती है, लोकल थाली होती है, ये ऐसा समझो। ये सर लोकल थाली होती है, ये गॉड से रिलेटिव होते हैं। अच्छा, तो जब कभी हिमाचल में कोई फंक्शन होता है ना। हाँ जी। तो ये चीजें सर्व होती है। अच्छा, तो इसको शुद्धि खाना बोलते हैं, बिना लहसुन प्याज टमाटर से। अच्छा, नो ऑनियन नो गार्लिक। हाँ जी सर, ये हमारी काली दाल है, इसको माँ दाल बोलते हैं। और इसमें सरसों और घी का वो होता है, चौंका लगता है, नहीं डलता। ये आज कौन सी है, मतलब आपका दिन दिन के हिसाब से होता है? आज फ्राइडे आए हम लोग। हाँ जी, तो आज ये मंडियाली धाम है, ये डिस्ट्रिक्ट मंडी की है। मद्रा कैसे होता है, मतलब राजमा की एक वैरायटी रहती है सर, मद्रा प्रिपरेशन। हाँ जी, यहाँ पे नाम दिए जाते हैं ना सर, ये हाँ मद्रे कई प्रकार के होते हैं। अच्छा, जैसे एक व्हाइट चने का मद्रा रहता है। अच्छा, ग्रेवी को बोल देंगे बेसिकली। हाँ जी, ये यहाँ के नाम दिए जाते हैं। ठीक है ठीक है, ये मद्रा हो गया। इसको सेफू बड़ी बोलते हैं, बड़ी फेमस। दाल की बड़ी होगी पालक की ग्रेवी में। और एक हमारे पास कद्दू खट्टा मीठा है। अच्छा, और थोड़ा स्पाइस भी होता है नमकीन। तो इसमें 5 टाइप की वो रहती है, और एक और भी है ना, 5 करी रहती है झोल इसको। अच्छा, ये सरसों में बनती है, और इसमें जो है ना खड़े मसाले का वो किया गया, गुजराती कढ़ी जैसी बनती है ना, थोड़ी गाढ़ी है इसमें सर, वो नहीं होती हल्दी वगैरह, नहीं डालते हल्दी नहीं डालते। अच्छा, एक हमारे पास सर स्वीट डिश रहता है, ये कद्दू का मीठा बोलते हैं इसको। अच्छा, ये भी घी में बनता है सर। अच्छा, घी का छौंका मारा जाता है। बाकी ये दाम जो है ना टेबल पे अच्छे से आएगा ना, सारे लगेगा एक साथ, तब ज्यादा समझ आएगा, तब समझ आएगा। ये तो सारा टेबल पे समझते हैं, ये टेबल पे समझते हैं। अच्छा, एक तो धाम होता है आपके पास, एक होता है आपके पास सिड्डू, और क्या क्या होता है बाकी सर? आप बाबरू बाबरू फ्राइड वाला, और पटांडे व्हीट पैनकेक,
और बाकी यहाँ की स्पेशल लस्सी जो वार्म स्पाइस लस्सी होती है। तो एक बार ऐसा करते हैं, एक बार ये सिड्डू बन जाता ना तो बाकी चीजें देखते हैं, ठीक है? 20 मिनट बाद मिलते हैं। सही फूल गए, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, बाकी चीजें करेंगे। अभी यहाँ पे क्या फ्राई हो रहा है सर? बबरू, वो बीट पैनकेक पटांडे के लिए है सर। पटांडे के लिए? हाँ जी, ठीक है। तो ये इसका मैदा आटा, ये आटा रहता मैदा? ये आटा रहता सर, ये फॉर्मेट आटा रहता सर, फॉर्मेट हुआ रहता। फॉर्मेट सिद्धू के लिए भी यही यूज होगा और इसके लिए भी यही होगा, बस ये फ्राई होता है, स्टीम होता है। सिड्डू बन जैसा सॉफ्ट रहता है सर, और ये थोड़ा क्रंची बन जाता है सर। अच्छा, क्रिस्पी रहेगा थोड़ा, ठीक ही रहेगा। स्टफिंग बाकी सेम रहेगी? स्टफिंग दोनों की सेम रहेगी सर, स्टफिंग सेम रहेगी। इसका टेस्ट भी अलग अलग है, टेस्ट अलग होगा इसका, थोड़ा चटपटा टाइप से होगा। कितने बजे तक वैसे टाइमिंग क्या रहती है सर? हमारी 12:30 से रात के 9 बजे तक रहती है। 12:30 से 9 बजे तक, और सारे टाइम सब कुछ मिलता है? जैसे ऐसा तो नहीं कि थाली इस टाइम से टाइम तक? नहीं नहीं सर, कई बार ऐसा होता है रात को, कई बार जैसे थाली जल्दी खत्म हो जाती है ना सर, कई बार 8:30 या 9 बजे तक हो जाती है सर। तो ये होता है सर कि अगर 8 बजे के आसपास 9 बजे खत्म होगी तो दोबारा नहीं बना सकते सर इसको, क्योंकि इसको बनाने में 2 से 3 घंटे मिनिमम लगते हैं सर। ये अभी क्या लगा रहे हैं? ये स्टफिंग है सर। नहीं, अच्छा वो फ्राइड वाला ही है? फ्राइड वाला है। ये नमकीन वाली स्टफिंग है सर, खसखस और मसाले। अच्छा। वाली सेम तरीका सर इसको ना बनाने का, तो पूरी जैसे बनाएंगे ना सर? हाँ, तो वो तो फूल जाएगा, स्टीम होते हुए इसको बेलना पड़ेगा। बेलना पड़ेगा सर, पूरी जैसा बनेगा, ठीक है। तो इसको भी देसी घी के साथ खाते हैं? हाँ, इसको भी देसी घी के साथ ही खाते हैं सर। का ये चीज़ है सर, ये अपर हिमाचल में सिड्डू और बबरू बहुत बनाए जाते हैं, जब कोई स्पेशल गेस्ट आता है ना तब उनके लिए बनाते हैं सर। बाकी हम तो इसमें सर स्टफिंग जो पॉपी सीड वाली यूज़ कर रहे हैं, बाकी इसमें आप कुछ भी स्टफिंग कर सकते हो, कोई भी डाल सकते हो। अरे स्टफिंग है सर। और हमारा खाना ऐसा है सर, सबको अच्छा लगता है, घर का जैसा बना रहता है सर। अच्छा। ये ऐसा नहीं जैसे बाहर का रेस्टोरेंट का होता है, बहुत ही ज़्यादा तीखा हो गया या पेट खराब हो गया, ऐसा नहीं है, बिल्कुल लाइट है और सबको घर जैसी फीलिंग आएगी। प्रॉपर एड्रेस क्या पड़ता है इसका सर? 54 मिडल बाजार और नियर शिव टेम्पल। तो ये मॉल रोड अगर मॉल रोड से आओगे, उसके अगर इधर से आओगे सर, यहाँ प्यूमा और फायर स्टेशन, उसके बीच की सीढ़ियाँ नीचे उतर सामने चाइना टाउन आएगा, पहले चाइना टाउन और शिव मंदिर, फिर आपने लेफ्ट होना सर, लेफ्ट साइड है। अगर इस साइड से आओगे लिफ्ट से तो सीधा ही आपको माल रोड, पहले मैडाम वगैरह आएगा इस साइड से, और वुडलैंड का शोरूम वगैरह सर। पर जो मैम स्कैंडल पॉइंट, फायर स्टेशन और प्यूमा, उसकी बगल सीढ़ियाँ जो नीचे आ रही है सर। ये जो पटांडे के लिए सर, बिल्कुल पतला सा आटे को ना मिक्सी में ग्राइंड करते हैं, बिल्कुल पतला सा, इसका पतला सा पेस्ट बना के फिर बनता है सर। अच्छा, दालों के साथ भी खा सकते हैं इसको। तो थाली भी ले ली हम लोगों ने, पटांडे भी ले लिए, सिद्धू भी ले लिया, इसका क्या नाम था? ये बबरू है सर। बबरू, बबरू भी ले लिया, सारी चीजें ले ली, मतलब सारी ऑथेंटिक डेलिकेसीज ट्राई कर रहे हैं। स्पेशल लस्सी रहेगी, वो भी ले लेंगे, वो भी लगा लेंगे, छोड़ना मत आप कुछ। पैनकेक टाइप सा है ये? हां बिल्कुल सर, है ना, देसी पैनकेक। ये भी बहुत सॉफ्ट रहता है सर खाने में ना, मजा आएगा इसको, मतलब जैसे मैं समझ रहा हूँ घी और शक्कर के साथ खाओ, घी और शक्कर के साथ अल्टीमेट लगेगा। हम जो भी चीज बनाते हैं सर, दोनों में मीठे में और नमकीन में हम वो रखते हैं सर। अगर किसी को मीठा पसंद नहीं है तो नमकीन भी ले सकता है, बाकी नमकीन मीठे वाले नमकीन ले सकते हैं। तो इसमें नमक वगैरह रहता है या कैसे रहता है सर? इसको प्लेन बनाते, प्लेन बनाते किसी हैं के साथ खाना? अच्छा, तो जिस चीज़ के साथ खाना है उसका स्वाद पकड़ेगा ये, बैक टू बैक काम चल रहा है ना एकदम। थोड़ा सा यहाँ पे हॉट हो गया ना सर, ये थोड़ा अंदर को ना सर, तो हाँ ऐसे फैन तो लगे हुए हैं। पर यार हैट्स ऑफ है आप लोगों को, आप पूरे दिन ऐसे काम करते हैं ताकि लोगों को अच्छा खाना ट्राई करने को मिले, एक्सपीरियंस करने को मिले। ये 1/8 होगा और फोल्ड होगा बस सर, ये बस इतना ही, इसकी शेप आ गई ना। अच्छा, ये शक्कर आ गई इधर, मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा आ रहा है एकदम। कितना टाइम हो गया इसको? ये 2015 से है सर। अच्छा, ये जब खुला था सर शिमला में कोई भी रेस्टोरेंट नहीं था। 2015 से? हाँ जी, 2015 से जो हिमाचली खाना सर्व कर रहे हैं। वार्म लस्सी, कभी सुना आपने? मेरे को बताया इन्होंने, लस्सी के ऊपर तड़का लगता है, चौक लगता है। ये भी सर ट्रेडिशनल स्टाइल रहता है। मैं ले तो जाऊँ भारत के? नहीं, मैं ले जाता हूँ, मेरे को अजीब सा लग रहा है। नहीं कोई नहीं कोई नहीं सर, चलिए आप, और छोटा चम्मच देना इसके लिए। ठीक है, बाहर टेबल पे चलते हैं, सारी चीजें टेबल पे आ जाएगी। ठीक है, चलो आ जाओ, सारी चीजें टेबल पे आएगी। ये उड़द की दाल है, ये इस तरह से बड़ी दाल है सर, फिर उसके बाद इसमें ग्रेवी होगी सर। ये कद्दू हो गया सर, खट्टा मीठा, खट्टा मीठा कद्दू हो गया सर। ये राजमा का मदरा है सर मंडियाली में, और अगर कांगड़ी होती तो उसमें वाइट चना होता सर, उसका मदरा होता है। मंडियाली कड़ी या झोल बोल दो सर,
वैसे झोल बोलते हैं वो ज़्यादातर ना, ये झोल हो गया सर। बाकी सर अब इसमें बीच में राइस लगाया गया। और ये सर हमारी फुल थाली है, इसमें अगर सिंगल पर्सन ले रहा है तो जितनी बारी उसने रिफिल करना है उतनी बारी रिफिल कर सकता है सर। इसमें क्या प्राइस है इसका? इसका सर 300 की है, अनलिमिटेड। बाकी जो दूसरी रहती है हाफ, वो फिक्स क्वांटिटी के साथ है सर, वो 240 की रहेगी। हो गया हाँ, तो निकाल। ये तो नाम ही ऐसा बढ़िया ना इसका, सिड्डू। सर इसकी कटिंग में से करेंगे, इसके चार पीस बनाएंगे। अरे वाह, क्या बढ़िया चीज़ है ये। एक में सर मीठे के साथ घी जाएगा, इसमें चटनी और घी दोनों के साथ सर्व होगा सर। ये किसकी चटनी रहती है? ये सर मिंट वाली चटनी होती है। अच्छा, कुछ भी उठा ले, धाम करिए पहले, धाम करें, बाकी उसके बाद सिड्डू और बबरू। ये तो सारा स्नैक्स है सर। ये तो पापा राइस है जैसे आपको पता ही है। ओके जी। कड़ी है, हिमाचली कड़ी, थोड़ी थोड़ी सी डाल रहा हूँ अभी। हाँ बस, मंडी में स्टार्ट यहाँ से करते हैं इसको, ब्लैक वाली दाल से। सॉरी सॉरी, पहले ब्लैक वाली दाल होगी, फिर सेफू बड़ी, फिर कद्दू खट्टा मीठा, राजमा का मसाला, कड़ी, झोल और कद्दू का मीठा सर। कद्दू का मीठा भी ठीक है। यहाँ से दाल में तो सर ऐसा करते ना, थोड़े से राइस देके फिर एक दाल दे दी, फिर और मैं डाल लूंगा। हां, हेल्प योरसेल्फ। हां हां, यू हेल्प योरसेल्फ, मैं अपना कर देता हूं। आई विल हेल्प मायसेल्फ, एवरीबॉडी हेल्प योरसेल्फ। हम लोग खा रहे हैं फ्राइडे को, अभी मंडियाली धाम है और एक होती है इनकी कांगरी धाम। रीजन बाय रीजन धाम भी चेंज होते हैं। दो ही धाम है सर हमारे पास। अच्छा, कांगरी रहेगी और एक मंडियाली रहेगी सर, तरह से रहती है सर, पर दो धाम है जो बहुत फेमस है वही हम बना रहे हैं। ये राजमा है जी? ये राजमा का मद्रा है सर। राजमा का मद्रा है थोड़ा ये। अच्छा, अलग वैरायटी है, मतलब ग्रेवी अलग होती है ना इसकी? ग्रेवी अलग होती है, ऑनियन एंड गार्लिक रहता है सर। मैंने ज्यादातर इसमें कर्ड का यूज होता है। कंफ्यूज हो गया मैं, थोड़ा ऐसे ही ले लेके खाता हूँ पहले ना। ऐसे ही खाओ। हाँ ऐसे ही खाओ, एक एक करके पापा डालो, मत ऐसे ही खा लो। हाँ जैसे ले लो। राजमा सही है, पहले यहाँ से खाना था, अब राजमा पे कहाँ आ गए? मर्जी मिली, ऐसे उन्होंने बोला, अभी बोला उन्होंने। अच्छा, मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ। मैंने एक चीज़ देखी यहाँ पे, हर चीज़ में देसी घी इज ओवरलोडेड, देसी घी का पूरा वो कवर कर रहा है। हाँ, दाल एकदम मस्त कड़ी हुई है। और ये सेपू बड़ी सर, दाल सेपू बड़ी, दाल की बड़ी, इन पालक की ग्रेवी। ये सारी लो अपर हिमाचली रीजन की है। नहीं सर, ये लोअर हिमाचल। ये सेपू बड़ी है जी, इसमें क्या होता है? ये सब दाल की बढ़िया बनती है पालक की ग्रेवी में सर, उड़द की दाल की। हाँ जी, उड़द की दाल। ये टेस्टी है यार, दिस फ्लेवर इज गुड न्यू। राजमा भी बहुत टेस्टी है, मैंने तो टेस्ट कर लिया सारा पोर्शन। कड़ी भी अच्छी है एकदम, वो धनिया के दाने डाल के ना बढ़िया से बना के। ये इन्होंने बताया था इसको खाने का तरीका, पापा ऐसे खाना है, इसको उठाया, ये होता है, ये होता है सिड्डू, ये लो, ये सिड्डू डिप करके खाना है, ये डिप करना है आपने। ये मीठा है, नमकीन है? ये नमकीन है, ये नमकीन है, डिप ऐसे आधा होगा नहीं पापा, उसको ऐसे ही खाओ, ऐसे डिप करके खाना। हाँ, डिप डिप करना है, डिप करना है बस। ऐसा फर्मेंटेड ब्रेड है अंदर, ऐसा लग रहा है जैसे स्टफिंग होती है ना, ये तो अंदर स्टफिंग किसकी है? खसखस की है, बट वैसे वो ना जैसे सत्तू की स्टफिंग वाली जैसे वाइप टाइप की आ रही है, मतलब स्टफिंग वाली वही है। हाँ, पर खसखस की स्टफिंग है ये सारी भाई। ब्रेड इतनी खसखस धनिया जाता है इसमें, धनिया वही वो है ना, जो धनिया वाला प्रसाद रहता है ना, पाउडर वाला मसाला, उसकी फ्रेग्रेंस आ रही है। पर ब्रेड का जो कोटिंग है ना बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही बढ़िया। ये प्योर हिमाचली खाना हम लोग ट्राई कर रहे हैं, हिमाचली रू है। एक और काम बढ़ेंगे आगे और इस पे बढ़ेंगे। ये फ्राइड वाला, ये मेरे को बताया था, ये ना एकदम ही अलग टेक्सचर है इसका। ऑल्दो ये सारी जो स्टफिंग है ना ये सेम है, इनके पास दो ऑप्शन है, एक नमकीन और एक मीठे में, तो आपको स्टफिंग इसके अंदर भी सेम मिलेगी, बट इसका टेक्सचर और इसका टेस्ट टेक्सचर एकदम अलग रहेगा। ये थोड़ा क्रिस्पी रहता है सर, ये सॉफ्ट रहता है, राइट में आ रहा है। जैसे भी डाल के ना बहुत टेस्टी हो गया। ये भी हो, ये पता क्या, गरम लस्सी। वो लस्सी गर्म है यार? नहीं, गरम लस्सी लस्सी है, पर उसमें चौंका लगा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पतली कड़ी पी रहा हूँ, ठंडी ठंडी टेस्ट। हाँ है ना, फ्लेवर चौंका लगा है, डिफरेंट फ्लेवर, कभी पी नहीं ऐसी। ये थोड़ा ना लाइट है, कट करने के लिए खाने को, डाइजेशन के लिए। हाँ, डाइजेशन मिलते ही उसको वो फील आया। ये नमकीन, ये मीठे वाला है, मीठे वाले में ये चीज़ ट्राई करो आप। ये क्या है? ये पटांडे बोलते हैं सर, वैसे जो सेम आटा, आटा ये इसी का ही है ना। अच्छा, बस ये थोड़ा लाइट है, ये तवे पे बनाया हुआ है। और ये क्या है? गुड़। हाँ, घी शक्कर। ओहो, है ना बढ़िया। ओ
ये मेरे को बता रहे थे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। एकदम मस्त फ्लेवर है। घी भी बहुत अच्छा ना। पटांडू पटांडे पटांडे रुक जाओ, पटांडे बबरू सिद्धू धाम देरू। मैंने कोई चीटिंग नहीं करी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। बढ़िया बढ़िया खाना अलग अलग जगहों का आता रहता है। वेजीबाजी पे प्योर हिमाचली खाना भी टेस्टी, सारी चीज़ें टेस्टी प्योर, लेकिन ये सारी चीज़ें टेस्टी है। ये दाल वाली बड़ी जो है ना, ये अप्रतिम। ये सारा खाना पता है कब बनता है? जब कोई अतिथि आते हैं, गेस्ट आते हैं। आप हमारी वीडियो में वेजीबाजी में गेस्ट आए, हमें अच्छा लगा, तो ये खाना हम लोगों ने धन्यवाद अरेंज करवाया। इतना बढ़िया खाना खिलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए शिमला में हिमाचली खाना खा रहे। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और बेहतरीन खाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तसल्ली से बैठ के सब घर वाले खाएंगे। बाय बाय।